हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ तारनी। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार नजदीक है। आप सभी जानते हैं कोरोना वायरस के चलते बाहर की चीजें खाना सेहत के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। तो चलिए बनाते हैं एक ऐसी टेस्टी मिठाई जो सबको खाए। पर इसकी रेसिपी शुरू करने से पहले, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू है या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम बनाने वाले हैं सूजी से बहुत ही टेस्टी मिठाई, जो बनाने में बहुत ही आसान है। सूजी का पेड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए 7 से 8 बादाम, 1 कप मिल्क, 1 कप गरी का बुरादा, 1 कप सूजी, 1 फ्रूट कलर, 1 कप चीनी, 1 कढ़ाई में सूजी ऐड करेंगे। आप इसे हल्का भूनेंगे। याद रखिए, इसे ज्यादा नहीं भूनना है, इसे ब्राउन नहीं करना है जैसे हम हलवा बनाते हैं, उस प्रकार से इसे नहीं भूनना है, इसे वाइट ही रखना है। ये देखिए हमारी सूजी भून गई है। अब हम इसमें गरी का बुरादा ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे कंटिन्यू चलाते रहना है, इससे पतीली में सूजी चिपके नहीं। गरी अच्छी तरह मिल जाने के बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी मैं यहाँ 1 कप यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर में मीठा कम पसंद करते हैं। आप अपने स्वाद के अनुसार चीनी को कम और ज्यादा रख सकते हैं। इसमें चीनी अच्छी तरह मिक्स हो गई है। अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क इतना ऐड करना है जिससे सूजी पक जाए, इसे बहुत गीला नहीं करना है। अब इसे कंटिन्यू चलाते हुए पका लेना है। इसे तब तक पकाना है जब तक ये सूख नहीं जाता। ये देखिए हमारी सूजी पक चुकी है। इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। सूजी ठंडी हो चुकी है। अब हम इसे 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। अब 1 भाग में हम फूड कलर मिलाएंगे। मैं यहाँ पे रेड कलर मिला रही हूँ। आप कोई भी कलर मिला सकते हैं जो आपको पसंद हो। ये देखिए हमारा दोनों डो तैयार है, एक व्हाइट और एक रेड। अब हम इन दोनों के गोले बना लेंगे। हमारे दोनों ही डो के गोले तैयार हैं। अब हम इन दोनों गोलों को एक साथ मिक्स करेंगे, देखिए इस प्रकार से, और हथेली पे राउंड करते हुए गोल कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस प्रकार से। अब हम इसे उंगली की सहायता से थोड़ा इकट्ठा कर लेंगे। और जो हमने बादाम रखा था उसे मैंने छोटा छोटा काट लिया है। अब 2-4 टुकड़े हम इसमें कर देंगे। ये देखिए घर पर ही हमारी मिठाई बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो आप इसे जरूर ट्राई करें और कमेंट्स बॉक्स में हमें लिखें कि आपके पेड़े कैसे बने थे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।